विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जॉर्जिया के लोगों के सेंट क्वीन कैटेवन के पवित्र अवशेष सौंपे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तिबिलिसी पहुंचने पर जॉर्जिया के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत भी किया। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन बखूबी निभाया। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात इंस्पेक्टर साहब अपने पद की गरिमा में इतना डूब चुके हैं जिसके चलते अब वो महिलाओं का सम्मान देना या सुरक्षा देने की बात तो छोड़िए, कई कारनामे बावर्दी और सरेआम कर डाले। सदर कोतवाली में संचालित महिला हेल्प डेस्क में झाड़ू लगा रही यह महिला आम महिला नहीं है, लेकिन बहू की हत्या के आरोप में पुलिस अभिरक्षक में लाई गई है। महिला हत्यारोपी को महिला हेल्प डेस्क में झाड़ू लगवाने में सदर कोतवाली अपनी शान समझते हैं। कर रहे हो झाड़ू लगाते तुम्हारा दिमाग खराब युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और मुकदमे पंजीकृत होने पर आक्रोशित जनता द्वारा रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे सदर कोतवाल ने पहले तो महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं कैमरा चलता देख और वीडियो बनते देख सदर कोतवाली ने महिलाओं को बहन बोला। हमने कहा जो आप दिक्कत देना हो बहन जी दिक्कत दीजिए, आप तो मेरे पास आना चाहिए, बताइए कि हमको साहब ये चीज है या उनके पास ये तुरंत लिखवा दूं। मैं तो बोल रहा हूँ मशीन वही एक इंस्पेक्टर द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और झाड़ू लगवाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी मामलों में न बोलने की और टिप्पणी न करने की बात कही है। सामने आया है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाल द्वारा हत्या के आरोप में आई महिला के ये मेरे 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 संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण अभी नहीं आया है, आने पर मैं आपको बता मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं। सदर कोतवाली का और मामला आया है, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं। ये भी कहने कोतवाली में पाई जाती हैं। जी ऐसा कोई ना तो मेरे पास कोई वीडियो है ना मेरे पास ऐसी कोई सूचना है। जैसे ही मेरे को वीडियो या सूचना मिलेगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, और जो चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है उस पर किसी भी तरीके की कोई बात करना। सर जैसे कि एक वीडियो मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना, जैसा ऐसा ना वीडियो सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो चलते रहते हैं, उसकी जब तक पूरी जांच पड़ताल ना हो, जब तक उसका स्थान उसका समय उसकी नवयत उसके बारे में जानकारी ना हो, तब तक मीडिया से कोई भी चीज़ शेयर करना या कोई भी चीज़ मीडिया को बताना नियमानुसार उचित नहीं है। आम जनता के लिए सोशल मीडिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के। सर ये जो दोनों वीडियो हैं ये मीडिया के द्वारा ही बनाए गए हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपसे अश्विनी जी जो तय हुआ था, जब पुलिस के आला अधिकारी महिलाओं से अभद्र भाषा और गलत आचरण करते हुए झाड़ू लगवाएंगे और आला अधिकारी उन्हें बचाएंगे तो आखिर कैसे कार्यवाही होंगी ऐसे इंस्पेक्टर्स की? जब मीडिया पूरा मामला बता रही, फिर किस तरह से पुलिस संज्ञान में लेगी महिलाओं के साथ पुलिस के द्वारा किए जा रहे अत्याचार? हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है।
पीड़ित परिवार ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने एक विशेष समुदाय के लोगों से खुद को बताया जान का खतरा। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में अकेले रहने वाले हिंदू परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित। पिछले दिनों परिवार ने प्रताड़ित होकर घर की दीवारों पर पलायन करने का लिखा था संदेश। एक समुदाय के लोग पीड़ित परिवार को घर छोड़ने या धर्म परिवर्तन कराने का करते हैं जब रात प्रयास। नौबस्ता थाना क्षेत्र के जमल नगर राजीव विहार का मामला। मैंने तैयारी से मिला डीसीपी साहब से 28 तारीख, उसके बाद मैं नौबस्ता इंस्पेक्टर से भी मिला। मुझसे प्रार्थना पत्र लेते समय इंस्पेक्टर नौबस्ता यही बोले, आपको होश है विश्वनाथ जी, आप ये क्या कर रहे हो? हमने साहब मुझे पूरा होश है, मेरे साथ ही लोग आए दिन मारपीट करते हैं, अराजकता करते हैं, मेरे घर पथराव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे मारते पीट करते हैं, मेरी पत्नी को गाली देते हैं, मेरी बेटी को गाली देते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं मेरी पत्नी को, और उसका विरोध मैं कर रहा हूँ। चौकी इंचार्ज को दिया, मंसूर अहमद जी कहने लगे अब इस पर जाँच का विषय, इस पर जाँच होगी, और जाँच के नाम पर ये हमको चौकी आए दिन दौड़ाते रहे। और बाद में जब यह बात उच्च अधिकारियों ने उसे पूछी तो उनका ये पीड़ित मेरे पास आया ही नहीं। और आदेश कुमार हमराही सिपाही होंगे, ये लोग लगातार 3 दिन मेरे मोहल्ले में आए और आरोपियों को सचेत कर गए कि देखो तुम लोग खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है और तुम लोग अपना अपना बचाव करो। पुलिस ने कोई भी मेरे पक्ष में संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी, कर दिया हमको पकड़ने के लिए कि मैं अपनी बात ना कह सकूँ और ना मैं अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों से पहुँचा सकूँ। आज इस मामले में कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से आज मैं मिला, मैंने उनकी पूरी बातों से अवगत कराया, मैंने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया कैसे कब क्या मेरे साथ कैसे कैसे हुआ। आपके साथ न्यायोचित न्याय होगा और जो ये धर्म परिवर्तन की धारा है इसके लिए भी मुझको कहा गया कि इसको आप साबित करें। अब साबित करने का मतलब ये कि जब मेरी बीवी बुरका पहन लेती, नमाज पढ़ने लगती, तब मैं कहता हूँ मेरी बीवी, मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। आज मैं कमिश्नर महोदय कानपुर नगर कमिश्नर से मिला, उनके समक्ष सपरिवार प्रस्तुत हुआ और मैंने उनकी अपनी पूरी व्यथा बताई कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे धमकाते घूम रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, इसमें मेरे को जान माल की खतरा है, मुझे सुरक्षा चाहिए। अब क्योंकि ये ऐसा आरोप है जिसको मैं कोई सबूत के रूप में सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए कि जब मेरी पत्नी बुरका पहन लेती, नमाज पढ़ने लगती, तब मैं कहता कि देखिए मेरी बीवी मुसलमान बन गई है। मैंने उस धर्मांतरण का विरोध किया, जब समय से पहले मुझे जानकारी हो गई, इसके बाद में ये मुसलमान जितने हैं मेरे मोहल्ले के, ये सारे मुसलमान एक राय होकर के मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मुझे वहाँ मकान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं और पुलिस उनका ही साथ दे रही है। मेरे पक्ष में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ के बयान और कहाँ कहाँ के गवाह मेरे खिलाफ़ पकड़ पकड़ करके लाए जा रहे हैं और उल्टा सीधा पेपरों में भी लिखा जा रहा है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। जी बिल्कुल, मैं इनको निरंतर अवगत कराता चला रहा हूँ, 22 मार्च 2021 से आज तक मैं इनको अवगत करा रहा हूँ और अभी 26 जून की जो घटना थी इस विषय में भी मैंने उनको अवगत कराया, लेकिन ये मंसूर अहमद ने 1 अप्रैल को मुझको बुलाया, 4 तारीख को भी मुझको बुलाया और जांच के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति करते रहे, कहीं नहीं तुम आराम से रहो घर में, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर देती, उनको डांट देती, डपट देती, आ करके कुछ भी उनको समझा देती तो आज इनके इतने हौसले ना बड़े होते कि मुझे अपने घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा और मैं अपनी जान बचाते हुए छुपता छुपता घूम रहा हूँ और ये आरोपी जिसमें कि बबलू खान मेरा पीछा कर रहा है, ये मेरे साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। अब इस विषय में अब मैं मुख्यमंत्री आवास में जाऊंगा और उनके समक्ष अपनी पूरी बात कहूंगा, अपनी व्यथा कहूंगा, मैं पीड़ित हूं और मुझे न्याय मिलने का पूरा हक है और ये लोग मुझ पर भरपूर दबाव बनाए हुए हैं पास पड़ोस वालों के द्वारा, चूंकि वो मुस्लिम वहाँ से पुराने बासिंदे रहने वाले, मुझे अभी 20 साल हुए, उन लोगों को वहाँ पर 35 साल हो गए, तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं उन मुस्लिमों से कोई मतलब ना कल रखता था ना आज रखता हूँ, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी संदिग्ध और गंदगी भरी हैं, वो गंदगी में ही जीना चाहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, भैया मुझे गंदगी नहीं पसंद, इसलिए मैं उन लोगों से मतलब नहीं रखता। और आज भी मेरे दरवाजे जाइए, गंदगी का ढेर आपको लगा हुआ साइड में मिलेगा, सीवर भी साफ करेंगे तो गंदगी रख देंगे, अगर जरा से कह दो भैया ये कचरा उठा फेंक दो तो उतने भर में कौन मार्केट में मदा हो जाए।
घर के सामने से मोटरसाइकिल ले जाने को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर्ड फौजी को जमकर पीटा, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ फौजी। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। पिटाई के बाद थाना प्रभारी ने फौजी को बिना मुकदमा दर्ज किए किया वापस। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के जमुवारी गांव का है मामला। गौशाला के सुचारू व आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अमेठी ने भौसिंगपुर व कसारा गौशाला का किया निरीक्षण। आज विकासखंड संग्रामपुर में संचालित 4 गौशालाओं का निरीक्षण करने निकले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जेसी सिंह ने बौसिहा पूर्व कसारा गौशाला का निरीक्षण किया। उनके साथ पशु चिकित्सा अधिकारी संग्रामपुर और एस द्विवेदी व ग्राम सचिव विजय पाल ने बौसिहा पूर्व गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीबीओ ने ग्राम सभा के सचिव को हरा चारा व दुग्ध उत्पादन करने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संग्राम विकास खंड के अंतर्गत चलने वाली सभी गौशालाओं पर कुल 180 जानवरों को बढ़ाने की अनुमति भी है। उन्होंने कसारा गौशाला की जमीनी स्थिति देखते हुए बताया कि ये गौशाला भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा स्थान है और यहाँ हरे चारे के लिए तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गौशाला अपने भोजन स्वयं पैदा करे। जी, आज आपने गौशालाओं का क्षेत्र के निरीक्षण किया है, किन किन गौशालाओं के निरीक्षण किया, क्या वहाँ पे स्थिति मिली? ये भवानीपुर है ना, भौसिंगपुर है, भौसिंगपुर। तो वहाँ पे क्या स्थिति मिली? वहाँ पे 70 है, लेकिन अभी सेट की व्यवस्था जो है जी, अब तो पर्याप्त जानवर है, लेकिन अभी सचिव साहब ने कहा कि हम प्रयास करके जो है इसमें और बना करके टेम्परेरी जो है रखने का प्रयास करेंगे। क्या इनका लक्ष्य बढ़ाया गया है, क्या जानवरों को? तो सरकार द्वारा बढ़ाया गया, पूरे ब्लॉक के लिए 180 किए गए हैं जी। उसमें है कि जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा बढ़ा करके, मतलब उसमें थोड़ा और व्यवस्था देकर, बाकी धनराशि तो बराबर पर्याप्त है भूसे के लिए जी, लेकिन बनाने में उसको समय लगेगा थोड़ा, शेड है। निरीक्षण दौरान वहाँ पर किसी प्रकार अव्यवस्था तो नहीं दिखी? व्यवस्था नहीं, हरा चारा ही बुआ रखे लोग व्यक्तिगत संबंध से, सब ठीक ठाक है। हाँ, वहाँ पर हरा चारा बुआ रखा उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से सचिव ने और जो है उन्होंने जी, लेकिन अभी तैयार नहीं है, कटना शुरू नहीं हुआ है जी, जो कि हमको लगता है कि 1-1 हफ्ता लगेगा, बगल के में ही है जी। वैक्सीन को लेकर क्षेत्र में बड़ी बात चल रही है सर, वैक्सीन अभी लग रहा है शिफ्ट वाइज, अभी पीछे मंगवाया भी गया था, दिया गया था, थोड़ा और भी हमने मंगवा रखा कल जो परसों आई है मतलब वैक्सीन जी, वो जैसे जैसे शिफ्ट वाइज आती रहेगी हम देखते रहेंगे। क्षेत्र में बिना वैक्सीनेशन के गायों की मौत भी हो रही है? नहीं, वैक्सीनेशन की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, ऐसा कोई हमारे पास शिकायत नहीं है। ठीक है। चकेरी थाना क्षेत्र में 2 शवों के मिलने से मचा हड़कंप। चकेरी की चंदारी इलाके में अज्ञात युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जाजमऊ के वाजिदपुर में भी मिला युवक का शव, दोनों शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त। कमिश्नरेट के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम समेत कई टीमें घटना की जांच में जुटी हैं। थाना चकेरी में एक रोड जो चंदारी रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, वहाँ एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में लग रही है। बुलेट इंजरी हेड पे है, जिससे उसकी डेथ हुई है, और FSL टीम को बुला लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और घटना में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो भी इसके दोषी हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए टीमें लगा दी गई हैं। धन्यवाद। अमेठी जायस ARTO पुष्पांजलि द्वारा चलाया गया जायस कस्बे में चेकिंग अभियान, जिसमें बिना परमिट अवैध रूप से चल रहे 10 वाहनों का काटा गया चलान। चेकिंग से वाहन चालकों में मचा अफरा तफरी, अधिकतर टेम्पो स्टैंड्स पर पसरा सन्नाटा। RTO ने कहा कि ये कोई विशेष चेकिंग अभियान नहीं है, ये प्रतिदिन की तरह ही की जा रही है, इसमें अभी और वाहनों का चलान होना है। किस तरह का मैम चेकिंग किया गया आज? आज जो सवारी गाड़ियाँ विदाउट परमिट चलती हैं और उसके समय भी दिक्कत में फेल करती हैं, उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, और अभी तक तो 10 गाड़ियों के चलान की कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, इस पर केजरीवाल ने एक जानकारी भरा वीडियो साझा किया है। आप सबको नमस्कार।
जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तीसरी लहर अगर आती है तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5,000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का, इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, दो दो हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5,000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5,000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए, 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500-500 के बैच में ट्रेनिंग होगी, एक बैच 500 लोगों का होगा, दो हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और दो हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा और टोटल 5,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से, यूके से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। नमस्कार।